नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के कट ऑफ के बारे में, क्या इसकी संभावित कट ऑफ रह सकती है। तो जैसा कि सभी को आप लोगों को पता है यहाँ पर कि अभी हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है वो संपन्न कराई गई थी और इसमें लगभग 528,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से लगभग 44% यानी कि 44% ही लगभग उपस्थिति रही एग्ज़ाम सेंटर्स पर। तो इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वही एग्ज़ाम देने गए हैं, तो कंपटीशन का स्तर कोई ज़्यादा डाउन नहीं हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत लो कट ऑफ चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं खंड शिक्षा अधिकारी के संभावित कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आप लोगों को पता है कि इसमें 309 वैकेंसी थी, जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि 528,000 लोगों ने लगभग आवेदन किया था और जिसमें से लगभग 44 यानी कि 44% उपस्थिति एग्ज़ाम सेंटर्स पर रही। ठीक है, तो इसी की कट ऑफ के बारे में, इसकी जो संभावित कट ऑफ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी संभावित कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके नंबर 70+-2 नंबर, अगर आपके मतलब नंबर नहीं यहाँ पर 70+-2 क्वेश्चंस अगर आपके सही निकल रहे हैं, हम यहाँ पर मान के चलते हैं 70+-2 क्वेश्चंस अगर आपने सही किए हैं तो आपकी जो है प्री आप इसका क्वालिफाई कर सकते हैं। यही अगर बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की, किसकी बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो इस कंडीशन में अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि 68+-2 यानी कि 68+-2 अगर आपके क्वेश्चंस सही निकल रहे हैं आपके, तो ये क्वेश्चंस की बात, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं तो आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी की, किसकी एससी एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, तो एससी एसटी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 63+-2 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 63+-2, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका जो है प्री क्वालिफाई हो सकता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर महिला वर्ग के कट ऑफ के बारे में, तो वो भी लगभग 63-64 के आसपास जा सकती है, 63+-2 ही मान सकते हैं। तो अगर आपके इतने कट ऑफ बढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर छोटा सा प्रेडिक्शन, जो हमारी तरफ से कट ऑफ संभावित कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया गया है कि इसके अकॉर्डिंग इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं, मतलब आपके इतने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने का मतलब ये है इतने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं और नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपके जो इतने क्वेश्चन सही अगर बन रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग हटा देते हैं उसके बाद अगर आपके इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आपके यहाँ पर प्री क्वालिफाई हो सकता है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर छोटी सी संभावित कट ऑफ के बारे में छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।